नमस्कार। मैं यही कहूँगा कि ये जो कुछ हो रहा है ये बेसिकली बहुत देर से इसकी सब प्लानिंग चल रही थी, लेकिन मैं चाहता हूँ मेरे से पहले जो मेरे एडवोकेट है रवि सूर्यवंशी जी, ये कुछ आपको इसके बारे में बताए केस के बारे में। मैं आपको ज़रा इस मैटर का बैकग्राउंड देता हूँ। ये जो डिस्प्यूट चल रहा है दिव्या कोटियन जी के साथ, ये डिस्प्यूट चल रहा है, उन्होंने जून 2019 में कोरियोग्राफर्स एसोसिएशन में IFTPCA में मेंबरशिप के लिए अप्लाई किया, उनको मेंबरशिप मिला। मेंबरशिप मिलने के बाद उन्होंने कमिटी मेंबर्स और एसोसिएशन के सीनियर मेंबर्स के बारे में उल्टा सीधा बाहर बोलना चालू किया। ये बात जब एसोसिएशन को पता चली तो नवंबर 2019 में उनका मेंबरशिप टर्मिनेट कर दिया गया। अब जब मेंबरशिप टर्मिनेट हुआ उसके बाद उन्होंने लीगल नोटिस और खुद के लेटर्स भेजे इनको, और उसका CC अम्बुली पुलिस स्टेशन में किया। कम से कम 4 या 5 लेटर उनके साइड से आए और उतने ही रिप्लाई हमारे साइड से उनको गए। उनके एक भी लेटर में उन्होंने कभी भी ये चीज़ नहीं बोली कि गणेश जी ने कुछ पर्सनली, या अभी जो उन्होंने ये नया स्टोरी पॉन वीडियो का निकाला है, एक बार भी नहीं बोला था नवंबर से लेके अब तक। तो उन्होंने इतना ही बोला था कि मेरे पीछे सब लोग पड़े, मेरे करियर के पीछे पड़े, मुझे धमकियां दे रहे हैं कि तुम्हारा करियर बर्बाद कर देंगे। ये सब एलिगेशन उन्होंने की थे जो झूठे थे इनके हिसाब से और सारे एसोसिएशन के मेंबर्स के हिसाब से। तो उन्होंने ये उनका मेंबरशिप जो टर्मिनेट किया था यूनानिमसली कमेटी ने डिसीजन लेके, उसके बाद इनका ये झगड़ा चालू हुआ। तो ये इसका बैकग्राउंड है। 26 जनवरी को और एक एपिसोड हुआ जब ये कोरियोग्राफर्स एसोसिएशन का SGM चल रहा था। उस SGM में उनको आने का, दिव्या जी को आने का कोई मतलब नहीं था, बिकॉज वो मेंबर नहीं थी। वो वहाँ प्रीमाइसेस में आई और जब गणेश जी निकले वहाँ से बाहर उनका SGM ख़त्म करके, उनके पीछे पीछे कुछ ये दिव्या जी का और प्रीति जी का और एक जयश्री जी का, इनका कुछ झगड़ा चालू हुआ। गणेश जी निकल गए थे, अब वो झगड़ा चालू हुआ तो प्रीति जी और जयश्री जी ने जाके पुलिस में अम्बोली पुलिस स्टेशन में NC दाखिल किया। उनके NC के बाद दिव्या जी ने भी उनके अगेंस्ट में NC किया और उस NC में उन्होंने गणेश जी का गलत नाम डाला। उन्होंने लिखा कि ये गणेश जी के कहने पे इन दो लड़कियों ने मेरे साथ झगड़ा किया, अब ये बात गलत है। ये हुआ, फिर 27 को वो विमेंस कमीशन में जाके उन्होंने वहाँ पे झूठा ये कहानी बताया कि मुझे कहीं 2009 में गणेश जी ने कोई पॉन वीडियो देखने के लिए बोला था। अब ये बात इतनी गलत है, किसी भी रेप्यूटेड पर्सन के आप कैरेक्टर पे जब एलिगेशंस करते हो तो आपको सोच समझ के करना चाहिए, क्योंकि ये केस तो देखिए इंडिया में कोई भी किसी के अगेंस्ट जो चाहे केस कर सकता है, उसको प्रूव करना या उसमें थोड़ा भी मेरिट दिखाना ये आगे की बात है। अब हम उसको कैसे डील कर रहे हैं ये आपको बताएंगे। तो ये बात हुई। अब इससे आप समझ सकते हो कि जब नवंबर से जनवरी तक करस्पॉन्डेंस हुआ, आप एक बार नहीं बोलते, और 26 जनवरी को जब झगड़ा होता है तो 27 को आप ये नया स्टोरी बना के उनके एलिगेशंस करते हो। इसके बाद हम ओशिवारा पुलिस स्टेशन में कंप्लेंट NC किया और एक रिटर्न कंप्लेंट भी दिया। वैसे ही अम्बोली पुलिस स्टेशन में भी एक कंप्लेंट दिया है कि इन्होंने झूठा एलिगेशंस और झूठा केस किया हमारे अगेंस्ट, इसका एक रिटर्न कंप्लेंट अम्बोली पुलिस स्टेशन में भी दिया है। अब इस केस के और दूसरे पहलू है जो डिटेल में गणेश जी और सागर जी आपको बताएंगे। ये झगड़ा क्या है मैं आपको बताता हूँ। एक तो डिस्प्यूट है, एक डांसर्स का एसोसिएशन है, सीनियर डांसर्स एसोसिएशन, उसमें उनके दो ग्रुप है कमेटी के जिसमें झगड़ा उनका चल रहा है। उस झगड़े की वजह से डांसर्स जो उनके मेंबर्स हैं वो परेशान हो रहे थे। अब कुछ डांसर्स गणेश जी के पास आए, उन्होंने गणेश जी को रिक्वेस्ट किया कि हम लोग हमारा सेपरेट डांसर्स का एसोसिएशन बनाना चाहते। गणेश जी बोला मेरे से जो मदद चाहिए मैं कर दूंगा, और गणेश जी ने उनको हेल्प किया तो नया डांसर्स एसोसिएशन बना।
अब उस डांसर्स एसोसिएशन के बनने के बाद ये जो एग्जिस्टिंग डांसर्स एसोसिएशन है उसके मेंबर्स को परेशानी होने लगी, क्योंकि मेंबर्स अगर यहाँ शिफ्ट हो गए तो जो भी है, जो भी इंडस्ट्री में चलता है उनका अफेक्ट होगा, उनका बिजनेस अफेक्ट होगा। अब इसके चलते दिव्या जी को उन्होंने उनकी कमेटी पे, डांसर्स कमेटी पे ले लिया। जब नवंबर में उनका मेंबरशिप टर्मिनेट हुआ उसके बाद ये सिने डांसर्स एसोसिएशन ने दिव्या जी को अपनी कमेटी पे ले लिया, समझ लीजिए आप सारी घटना को। और उसके बाद ये उनके अगेंस्ट में पर्सनल टारगेट करना शुरू हो गया, बहुत से लोग इनको टारगेट करने लगे हैं। ऑब्जेक्टिव सिंपल है कि ये नया डांसर्स एसोसिएशन जो बना है वो सक्सेसफुल ना हो। और एक चीज़ है इसके पीछे, एक कोऑर्डिनेटर्स एसोसिएशन है जो सिने डांसर्स का कोऑर्डिनेटर्स का एसोसिएशन है। वो कोऑर्डिनेटर्स क्या करते हैं कि जो भी फिल्म में डांसर्स की रिक्वायरमेंट हो वो उनके थ्रू वो सप्लाई करते हैं। अब बात मैं आपको बताता हूँ इसमें लीगल इशू क्या है। CCI में एक मैटर हुआ था जिसमें विपुल शाह जी ने कंप्लेंट किया था 2014 में, ये जो मेंबर टू मेंबर वर्किंग था कि आप मेरे ही मेंबर्स के साथ काम करोगे और किसी के साथ काम करोगे तो हम लोग आपका नॉन कोऑपरेशन कर देंगे, आपके सेट पे कोई दूसरा काम नहीं करेगा, ये इशू था। कोऑर्डिनेटर्स का इशू ये है कि कोऑर्डिनेटर्स चाहते हैं जो फेडरेशन के अलाइड एसोसिएशन है उनका कहना है कि सारे डांसर्स हमारे थ्रू ही हायर होने चाहिए और किसी के थ्रू आप ले नहीं सकते। अब कुछ लोग, मतलब गणेश जी और कुछ लोग, ये अपने अपने डांसर्स हायर करते हैं, इस चीज़ का उनको प्रॉब्लम है। तो ये मल्टीपल चीज़ें हैं जिनकी वजह से गणेश जी को टारगेट किया जा रहा है, ये उसका बैकग्राउंड है। अब गणेश जी को आप पूछ सकते हैं जो पूछना है। कुछ सवाल करना है आपको? ऑफकोर्स मिसयूज है, इसलिए तो ये जो गलत कायदे का फ़ायदा उठा रहे हैं। बेसिकली मैं वो लड़की दिव्या को जानता भी नहीं, मैंने उसके साथ काम भी नहीं किया। उसने जितने एलिगेशन डाले मुझे पता भी नहीं है कि वो सडनली कहाँ से और क्या ये सब कुछ कर रही है। मैंने उसको कम से कम, मेरे ख्याल से वो ग्रुप डांसर थी कुछ 2005-06-07 में, तब उसने शायद काम किया होगा, मैं उसके बाद तो काम भी नहीं किया। और ये सब बेसिकली पूरा प्लान है, बहुत बड़ा गेम है कि मैं किसी भी हालात में ये डांस मास्टर और डांसर्स के लिए जो सोच रहा हूँ अच्छा करने के लिए, इधर से गणेश आचार्य हट जाए, उनकी कोऑर्डिनेटर्स चले, उनका पूरा काम हो, ये सब बेसिकली बहुत 2-3 साल से फाइट चल रही है। क्योंकि पुराने सीनियर डांस एसोसिएशन थे उनके लिए मैं खड़ा रहा, उनके लिए फ़ाइट किया मैंने, फिर उनकी यूनियन ओपन हो गई, फिर पुराने उसके पहले वाले कमिटी आए उन्होंने फिर ऑफिस बंद कर दिया, फिर ये बहुत सारा, फिर कोऑर्डिनेटर के लिए लड़ा, फिर डांस मास्टर एसोसिएशन में मैं जनरल सेक्रेटरी ज्वाइन हुआ, वहाँ पे जनरल सेक्रेटरी से का फिर मैंने वहाँ पे बात की तो वहाँ पे डांस मास्टर की कंप्लेंट्स आने लग गए कि हमको बोल रहे हैं कि कोऑर्डिनेटर्स नहीं, हमारे ही नचाने चाहिए, हमारे ही कोऑर्डिनेटर्स। तो हम लोगों ने बेसिकली 217 कोरियोग्राफर्स के साइन लिए, जहाँ पे हम लोगों ने ये पूरा किया, हमको हमारी मर्जी से काम करना। मैं मेरे असिस्टेंट के साथ काम करता, मेरा असिस्टेंट कोरियोग्राफर डांसर पूरा कर रहा है कई सालों से, और वही बेसिकली प्रोड्यूसर से पेमेंट लेता है, प्रोड्यूसर से डांसर को पेमेंट करता है। तो ये जो पूरा गेम है ये बार बार मेरे ऊपर आने का, ये जो डांस मास्टर और डांसर्स को हेल्प करना उसके चक्कर में कभी किसी को खड़ा किया जाता है, कभी किसी को खड़ा किया जाता है। अब ये दिव्या कोटान को इस तरह से खड़ा किया है तो बहुत बुरा लगता है, लेकिन अभी इसके लिए लड़ेंगे। रवि जी जो करना है वो केस करेंगे और आगे फाइट करेंगे। इसके तहत अगर अभी को जाना है आपको तो मैं यहाँ पे डांस राइटर एसोसिएशन के प्रेसिडेंट मिस्टर सागर दास है, वो भी आपको थोड़ा सा कुछ बताएंगे। फिर ये जो नई यूनियन खुली है, जो वो नई यूनियन बेसिकली आपको यही बताएंगे कि वो डांसर्स कौन है क्या है। तो प्रीति लाड़ यहाँ पे उनकी जनरल सेक्रेटरी है, तो इनको एक एक मैं आके बताना चाहता हूँ कि इसके पीछे क्या है, इसके पीछे क्यों ये दिव्या कोटान गणेश आचार्य के बारे में बोल रही है, और दिव्या कोटान के पीछे कौन है जो ये उससे करा रहे। तो आपको इनके थोड़े थोड़े शब्द से पता चल जाएगा कि है क्या ये मुद्दा। सागर, गुड आफ्टरनून एवरीबडी, मैं कोरियोग्राफर्स एसोसिएशन का प्रेसिडेंट हूँ, सागर दास। मैं ये बोलना चाहता हूँ कि जैसे हमारे लॉयर ने भी आपको बताया और मास्टर ने बताया कि जैसे ही ये कोऑर्डिनेटर वाला ये प्रॉब्लम हुआ, अच्छा बिफोर आई स्टार्ट एनीथिंग आई जस्ट वांट टू से
ना हमारे यूनियन को ना किसी को भी, सिवाय ये एलिगेशन के, हमको ना फेडरेशन से प्रॉब्लम है ना कोऑर्डिनेटर से प्रॉब्लम था। फेडरेशन जो कर रही है, जो यूनियन चला रही है, जो आफ्टर सीसीआई के बाद उन लोग जो कर रहे हैं वो बहुत काबिले तारीफ है, दे आर डूइंग गुड। बट वॉट आर एसोसिएशन इज फेसिंग बिकॉज ऑफ दैट इज, ये कोऑर्डिनेटर्स पहले नहीं हुआ करते थे। मैं थोड़ा बैकग्राउंड में चले जाता हूँ, जब मैं भी असिस्टेंट था या यहाँ पे और भी असिस्टेंट्स हैं, तो मास्टर जी के जो असिस्टेंट है ऐसे हम लोग खुद ही बोर्ड पूरा करते थे जो डांसर्स की रिक्वायरमेंट होती थी। फिर ये कोऑर्डिनेटर्स आए, नो प्रॉब्लम, कोई कोरियोग्राफर कोऑर्डिनेटर के साथ काम करना चाहता है, कोई नहीं करना चाहता है। जो हमने पेटिशन भेजा फेडरेशन को, उसमें भी यही लिखा था कि हमको प्रोड्यूसर्स को और हमको ये बोला जा रहा था कि 5 कोऑर्डिनेटर्स के साथ काम करना पड़ेगा सिर्फ। हमने वो पेटिशन में ये लिख के भेजा कि 5 के साथ आप हमें फोर्स मत कीजिए, हम जो जिस वो 5 के साथ भी करेंगे और हम जिसके साथ करना चाहते हैं हम उसके साथ भी करने दीजिए। और ये हमने मई या जून में हमने भेजा हुआ है ये पेटिशन 217, जिसमें सारे कोरियोग्राफर्स, मास्टर जी, रेमो, फारा मैम, ये सारे कोरियोग्राफर्स का उसमें सिग्नेचर था। उसके बाद ये कोऑर्डिनेटर्स, अभी क्या हो रहा है कि हमारे ये इन्होंने बंद कर दिया। उसके बाद हमने उन कोऑर्डिनेटर्स के खिलाफ जो हम लोगों को फोर्स कर रहे थे कि जाके, तो हमने एक नॉन कोऑपरेशन निकाला अपने यूनियन से, जो हमने अपने यूनियन को ही भेजा। आप लोग भी मीडिया वाले हैं, आपका एक यूनियन होगा, आप लोग जब किसी को बॉयकॉट करते तो आप किसी और को नहीं बोलते, अपने मेंबर्स को बोलते हैं। वैसे ही हमने अपने मेंबर्स को बोला, तो हमारे मेंबर्स ने हमारा सपोर्ट किया और वो कोऑर्डिनेटर्स के साथ काम करना बंद कर दिया। हमको वो कोऑर्डिनेटर्स का सॉरी लेटर आया। आप देखिए, हमने कभी एज अ यूनियन या मास्टर ने ऐसा पर्सनली किसी को भी टारगेट नहीं किया है। हमने वो कोऑर्डिनेटर्स ने सॉरी लेटर भेजा, इंस्टेंटली सारे लोग वो कोऑर्डिनेटर्स के साथ काम करने लगे। इनफैक्ट मास्टरी के नेक्स्ट बोर्ड में भी उनमें से एक कोऑर्डिनेटर ने कुछ फॉरेनर्स भी दिए जो उनके शूटिंग में लगते हैं। तो ये प्रॉब्लम सॉल्व हो गया था। फिर से अभी रिसेंटली हमारे लॉली सर है, बहुत हमारे सीनियर मेंबर है, मैं उनके ग्रुप में डांस भी कर चुका हूँ, उनके सेट पे फिर से फेडरेशन का एक विजिलेंस ऑफिसर गया और उन्होंने वहाँ पे शूटिंग डिस्टर्ब करके उन्होंने बोला कि आपको इनके साथ ही काम करना पड़ेगा, आपके सेट पे कोऑर्डिनेटर्स नहीं है। तो वो हमने उनको वहाँ पे भी हम गए, वहाँ पे भी हमने समझाया कि ऐसा नहीं है, हमको असिस्टेंट्स का बोर्ड डालना चाहिए। और जैसा हमारे लॉयर ने आपको समझाया कि सीसीआई का एक वर्डिक्ट है जो आपको, जो प्रोड्यूसर्स के पास गया हुआ है, कि मेंबर टू मेंबर वर्किंग इज नॉट कंपलसरी। तो हम वही हम उनको समझाते रहते कि आप प्लीज़, आप मदर बॉडी है, आप हमारा भी सिचुएशन समझिए कि कोई किसी के साथ काम करना चाहता है, कोई किसी के साथ नहीं करना चाहता है, तो आप प्लीज़ फोर्स मत कीजिए। हम भी प्रोड्यूसर्स, मेरे को ये सवाल बहुत आते हैं कि सीसीआई का रूल तो आपके भी अगेंस्ट है। हाँ है, हम गवर्नमेंट को फॉलो करते हैं, हम सारे रूल्स फॉलो करेंगे। सीसीआई बोलता है मेंबर टू मेंबर वर्किंग, आप फोर्स नहीं कर सकते। हम किसी भी, कोई प्रोड्यूसर को हम जाके ये नहीं बोलते कि ये कोरियोग्राफर नहीं है, ये हमारा मेंबर नहीं है, आप इसके साथ काम मत करो। हम वो कोरियोग्राफर को मिलते हैं, हम उनको समझाते हैं कि देखिए हमारा यूनियन 1975 से है, ये सारे लोग, जितने लोगों को आप देख के यहाँ पे कोरियोग्राफर बन रहे हैं या उनसे सीख के बन रहे हैं, ये हमारे मेंबर है, तो आप प्लीज़ आइए और यहाँ पे अफिलिएट हो जाइए और यहाँ का जो भी है मेडिक्लेम वगैरह, ये वो जो भी इंश्योरेंस वगैरह होता है, उसके आप एक पार्ट बन जाएंगे। हमने कभी भी किसी प्रोड्यूसर को फोर्स नहीं किया। रही बात दिव्या का जो मैटर था एक, वो मुझे नहीं बोलना चाहिए फिर भी मैं बोल देता हूँ कि हमने जो दिव्या का भी नॉन कोऑपरेशन निकला था वो हमने कोई प्रोड्यूसर को नहीं भेजा है, हमने सिर्फ अपने मेंबर्स को भेजा है। ये दो बातें क्लियर हो गई हमारी। अब मैं जो आईएफटीडा के जीएस को बुलाऊंगा बोलने के लिए, उसके पहले मैं एक बात क्लियर करना चाहता हूँ जो आज का मुद्दा नहीं है, बट वो बहुत वो टॉपिक उठते रहता है। जो मास्टर जी इवेंट कर रहे हैं, शो कर रहे हैं, चैरिटी शो, उसके लिए मैं थोड़ा डिटेल देना चाह रहा हूँ कि काफ़ी लोग ये बोलते हैं कि अरे वो शो हो रहा है, वो मास्टर जी के फाउंडेशन में क्यों जाने वाला है पैसा, और ऐसे कैसे डांसर्स का पैसा ये वो। पहली बात तो कोई भी आर्टिस्ट डोनेशन नहीं दे रहा है, ये एक चैरिटी शो हो रहा है। डोनेशन इज गिवन, चैरिटी इज रेज्ड। मास्टर जी बिफोर ही बिकेम द जनरल सेक्रेटरी, जब हम मास्टर जी से मिले थे इलेक्शन के पहले कि मास्टर जी प्लीज़ हमारी यूनियन भी थोड़ी टफ टाइम से जा रही है, आप प्लीज़ यहाँ पे आइए और हमको मदद कीजिए, तब मास्टर जी ने हमें बोला था कि मैं यार ऐसा कुछ प्लान कर रहा हूँ कि सारे डांसर्स को और जो सीनियर कोरियोग्राफर्स हैं जो तकलीफ में है, असिस्टेंट्स हैं, मैं उनके लिए कुछ करना चाहता हूँ। तो मैंने आर्टिस्ट लोग से बात करके रखी है ऑलरेडी, तो मैं एक शो प्लान करूँगा और उसके उसका जो भी बेनिफिट्स होगा वो मैं इनको दूंगा, ये सारे डांसर्स को और कोरियोग्राफर्स जो जिनको ज़रूरत है। और ये जो पूरा इवेंट प्लान हुआ, इसमें जो पैसे लगने थे, जो भी बिगनिंग अमाउंट जो लगना था, वो मास्टर जी का ही लगना था। और ये मास्टर जी जीएस बनने के बाद इन्होंने ये डिसीजन लिया, ऐसा नहीं है। मैं खुद प्रेसिडेंट बनने के पहले जब मैं जॉइंट सेक्रेटरी था, तब जब मैं मास्टर जी से मिला, और भी मेरे बहुत सारे कमिटी मेंबर्स हैं जो मिले, तभी मास्टर, तो इसमें इन्वेस्टमेंट मास्टर जी का था,
27 आर्टिस्ट का लेटर है, एक भी आर्टिस्ट उसमें से किसी और ने नहीं लाया है, सिर्फ मास्टर जी और मास्टर जी की टीम ने लाया है वो आर्टिस्ट। और वो सारे आर्टिस्ट ने मास्टर जी को ये बोला, आप जानते होंगे कि यूनियन में यूजुअली आप अच्छा करना चाहते हैं बट सब लोग को ये लगता है कि ये क्यों अच्छा करना चाहता है, तो यूनियन में आते ही आपका जो काम करते रहते हैं ना, पॉलिटिशियंस का भी इसका उसका किसी किसी का नाम खराब होते रहता है अच्छा काम करने में। अभी जब मास्टर जी ये काम करना चाहते हैं अपनी तरफ से, ना इसमें किसी और का इन्वेस्टमेंट लग रहा है, ना आर्टिस्ट कोई और ला के दे रहा है। फॉर एग्जाम्पल कोई भी बड़ी चैरिटी जब चलती है तो वो किसी गरीब का भला करना चाहती है, इसका ये मतलब नहीं होता है कि गरीब जाके वो चैरिटी फाउंडेशन के बाहर खड़े हो जाए और बोले कि हमारा पैसा है आपको हमको देना चाहिए, आप कैसे आपके फाउंडेशन में आ रहा है। सारे आर्टिस्टों ने मास्टर जी को ये बोला, और मैं आर्टिस्ट का नाम नहीं लूँगा, मैंने खुद सुना है मास्टर जी जब बात करें स्पीकर पर कि सॉरी मास्टर जी मैं आपका नाम ले रहा हूँ, उन्होंने कहा है कि गणेश यार मेरे को तेरे पे भरोसा है, मैं तेरे लिए कर रहा हूँ, मैं कोई यूनियन के लिए नहीं कर रहा हूँ ये शो, तू जहाँ बुलाएगा मैं 5 मिनट आके नाच के चले जाऊँगा वहाँ पे। So very clearly, there is no money that any artist is giving. The whole show will be arranged. They will come, they will perform. Channel will be involved. Lawyers will be involved. And the money is going to go to Ganesh Acharya Foundation because Ganesh Acharya is the one who is the whole and soul of this. He involved us. That is, वो उनका बड़प्पन है कि वो dancers के लिए करना चाहते हैं तो dancers की committee को ले रहे हैं और ये। तो ये एक doubt मैं बहुत clear कर लेना चाहता हूँ कि कोई union का पैसा नहीं लग रहा था, मास्टर जी का लग रहा था। Preeti, Preeti Lad is the General Secretary of IFTDA, the new union. She'll say a few things. Thank you, Sagar sir. Hello everyone, my name is Preeti Lad. हमने जो नई union खोली है AFTDA, मैं उसकी General Secretary हूँ। मैं छोटा सा एक description देना चाहूँगी AFTDA के बारे में। ये union इसलिए खुली है क्योंकि हम CDA के dispute से थक चुके थे, dancers परेशान हो रहे थे, dancers को समझ में नहीं आ रहा था कि उनको हर shooting में जाके इतनी तकलीफ़ क्यों हो रही है, जबकि dancers का काम है कि उनको एक choreographer के shooting के लिए बुलाया गया है, उनको shoot करना है, they are getting paid for it और उनको जाना है, but हर shooting में उनके साथ ज़बरदस्ती दादागिरी करना, उनको ill treat करना, ये सब चीज़ें dancers एक हद तक बर्दाश्त कर रहे थे, और अचानक they think that उनका सेल्फ रिस्पेक्ट भी कोई चीज़ है, तो इसके लिए वो हमने सब ने डिसाइड किया कि हम किसी के अंडर क्यों काम करें, क्योंकि कोरियोग्राफर हमें काम दे रहा है। इसके लिए मास्टर जी जनरल सेक्रेटरी होने के नाते हम उनके पास गए और हमने कहा कि मास्टर जी हमें प्लीज़ हेल्प कर दीजिए, क्योंकि अभी बहुत ज़्यादा गुंडागर्दी हो रहा है और इनडायरेक्टली ये कोरियोग्राफर्स को भी अफेक्ट कर रहा है। इसके लिए हमने ये नया यूनियन का इनाग्रेशन किया 1st को, और उसका नाम है AFTDA, इट इज़ ऑल इंडिया फिल्म टेलीविजन एंड इवेंट्स डांसर्स एसोसिएशन। बट इस एसोसिएशन के ओपनिंग से हमने कभी कोई भी एंटी एसोसिएशन एक्टिविटीज़ नहीं की, हम हमारे CDA डांसर्स के साथ ही है, बट फ़र्क सिर्फ इतना है कि CDA एसोसिएशन के ट्रेड यूनियन नंबर पे डिस्प्यूट चल रहा है, तो हम वो ट्रेड यूनियन नंबर के ऊपर कोई भी फाइट नहीं कर सकते, कभी डांसर्स का पेमेंट अटक जाए या कोई किसी को इल ट्रीट करे, क्योंकि डिस्प्यूटेड केस ऑलरेडी कोर्ट में है। इसके लिए हमें सोचा कि हम थोड़ा लीगल हो जाते हैं, इसके लिए एक नया एसोसिएशन खोला, नया ट्रेड यूनियन नंबर हमने अप्लाई किया, तो ये गवर्नमेंट रिकोगनाइज लीगल कंपनी है जहाँ पर हम CDA डांसर्स को एनरोल कर रहे हैं। ये लाइफ टाइम मेंबरशिप है, और थैंक्स टू मास्टर जी जिसके वजह से आज जो डांसर्स कन्फ्यूज थे, उन्हें समझ में नहीं आ रहा था कि हम क्या करें, उनको एक छत मिली है, तो लोग वही है, लोग वही हैं, सिर्फ छत नहीं है, छत नहीं है क्योंकि डांसर्स को अपना खुद का सिक्योरिटी भी देखना पड़ेगा। और इसी चलते मास्टर जी ने ये जो शो का, जैसे सागर सर ने बात किया, तो ये सारे डांसर्स के लिए पैसा जाता है, लेकिन ये उन खास डांसर्स लोग के लिए है जिनको पता है कि हम लीगली खड़े रह के अपने खुद के राइट के लिए लड़ रहे हैं, ये उन डांसर्स के लिए नहीं है जो खुद के लिए नहीं लड़ पा रहे। तो हम, मेरी सबसे गुजारिश है कि प्लीज़ आप आगे आइए और ये लीगल एसोसिएशन का हिस्सा होइए, जिधर मास्टर जी ने जो शो अपने खुद के हिम्मत पे, अपने खुद के कॉन्टैक्ट्स पे खड़ा किया है, जिनके ऊपर हमारा भी कोई राइट नहीं है, पर ये उनका बड़ापन है कि उन्होंने ये सारे फैसिलिटीज़ हमें दिए हैं, और सारे सीनियर्स लोगों को आज जो मास्टर जी खड़े करके जो रिटायरमेंट ले चुके हैं एक्स एसोसिएशन से, जिन्होंने 20,000-30,000 दे के ऑल सीनियर्स को रिटायरमेंट दे चुके हैं, तो वो मास्टर जी को क्या ज़रूरत है किसी को आके आगे करके बोलना कि आप मेंबर बन जाओ, मैं आपको फैसिलिटी दूंगा। क्यों? क्योंकि उनके भी घर मास्टर जी के वजह से ही चलते हैं, बाकी कोई कोरियोग्राफर नहीं है इंडस्ट्री में जो डांसर्स के बारे में इतना सोचता है। और रही बात छोटी सी ये दिव्या कोटियन के बारे में,
दिव्या कोटिन के बारे में सिर्फ इतना कहूंगी कि हाँ, एक टाइम ऐसा था कि वो मेरी दोस्त थी, वो हमारे साथ उठती बैठती थी, हमारे साथ बातें होती थी, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वो मास्टर जी के यहाँ पे काम करती थी। लेकिन अचानक से वो हमारे साथ घूमती भी रहती थी, लेकिन अचानक से पता नहीं उसको क्या हो गया है, वो या तो ये कोई पैसे को चक्कर में कर रही है, या कोई किसी के दबाव में कर रही है, या कोई कुछ किस चीज़ में कर रही है हमें पता नहीं है, लेकिन उसने जो भी एलिगेशंस लगाए ना मास्टर जी पे, तो उसका तो कोई प्रूफ है नहीं, क्योंकि ऐसा कुछ कभी हमने मास्टर जी के खिलाफ कोई लड़की आके उठ के ये कहे, क्योंकि एक एक शूटिंग में मास्टर जी के पास 150-200 लड़कियाँ डांस करती है। अगर ये 150-200 लड़कियों को ये सब चीज़ खड़े रख के पूछेंगे तो वो भी इसने कभी एक्सपीरियंस नहीं किया है, तो दिव्या कोटियन ही क्यों, जबकि उन्होंने काम ही नहीं किया मास्टर जी के साथ। मैं इतना ही बोलूँगी कि प्लीज़ कोई एलिगेशंस ऐसे आदमी पे जब लगाते हैं तो प्लीज़ आप पहले प्रूफ कीजिए कि ऐसे कुछ आदमी का ये सब चीज़ों में हाथ है, बिकॉज ये रियली फनी साउंड करता है और कुछ नहीं। थैंक यू सो मच डांसर्स फॉर ऑल द कोऑपरेशन। थैंक यू मास्टर जी। हाँ जी, कुछ पूछना? हाँ जी हाँ, देखिए ये मैं सब चीज़ को बेसिकली कहना नहीं चाहता हूँ, क्योंकि मुझे अच्छा नहीं लगता, बहुत सीनियर कोरियोग्राफर है, मैंने तो उनके साथ ज़्यादा काम किया नहीं, मेरे गुरु कमल मास्टर जी थे, लेकिन जिन्होंने जो भी एलिगेशन उस वक्त डाले थे तो मैंने बस शांति से उसको, क्योंकि मैं नहीं चाहता था कि उनके ऊपर मैं कोई केस डालूँ और उनको कोर्ट में खींचूँ, वो थी एजेड है। लेकिन सरोज जी के बारे में ये बोलना मुझे बहुत बुरा लगता है कि सरोज जी को अगर ये डांसर्स के बारे में बोलना है तो सरोज जी कौन से यूनियन में बैठ के ये बात कर रही है, कौन से उधर के लोग हैं, जब उनको मालूम है कि CDA के 2 ऑफिस बंद है, तो आप वो पहले ऑफिस खोलो, वो ओरिजिनल CDA में जाओ, फिर मुझे बोलो। आप वहाँ बैठे हो जहाँ पे कोई डांसर्स ही नहीं है, कोई अजीब अजीब से लोग है, दाढ़ी दाढ़ी वाले गुंडे गुंडे टाइप के लोग है, वहाँ पे आप उनका इन्विटेशन कर रहे हो और सब बोल रहे, अच्छी बात नहीं। सरोज जी को जहाँ तक मैंने जितना हेल्प किया मुझे पता है, मैंने बागी का गाना किया था 1-2 दिन, तो मैंने साजिद भाई से पूरा पेमेंट मैंने कोरियोग्राफ किया था, मैंने उनको दिया था, बोलना नहीं चाहिए। बहुत सारी चीज़ें मैं सरोज जी को हेल्प किया, सरोज जी ने एक बार भी मुझे कॉल नहीं किया कि क्या हो रहा है क्या नहीं, मैं उनको सब सच बताता। तो ये अब मुझे सरोज जी के बारे में ज़्यादा बात नहीं करना है, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि वो बहुत एजेड है और इस सब चीज़ में आए, उनकी मर्ज़ी थी, उन्होंने बोला मैं मेरे वकील के थ्रू जो जवाब देना है वो दूंगा। होती है, लेकिन जब कीचड़ उड़ता तो धोया भी जाता है ना, तो बिना धोए सुखाऊंगा थोड़ी कीचड़ को। और मुझे प्रॉब्लम नहीं है, मैं अगर मेरी फैमिली को प्रॉब्लम नहीं, मेरी बीवी है, मेरी बेटी है, उन लोग जानते हैं कि मैं क्या हूँ क्या नहीं। और दूसरी बात, अगर ये डांस डायरेक्टर और डांसर्स के बीच में अगर गंदगी है, कीचड़ पड़ा है और मैं उसके बीच में उतरा हूँ साफ़ करने के लिए, तो थोड़ा बहुत उड़ेगा और मैं उसके लिए रेडी हूँ, कोई फ़र्क नहीं है। कुछ बोलना है? मेरे को 19 साल हो गए हैं गणेश के साथ, और मुझे पता है गणेश कैसे हैं, इतने लोगों की मदद की है, अभी मदद कर रहे हैं तो लोग ऐसे बातें बना रहे हैं, तो जिनको जो बातें बनानी है बनाने दो, हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। यस देखिए, ये पूरी इंडस्ट्री चलती है, इसकी मदर बॉडी है फेडरेशन। फेडरेशन को ये जो CDA का डिस्प्यूट चल रहा है, इनको बिठा के बात करना चाहिए, इनका प्रॉब्लम सॉल्व करना चाहिए। और डांस डायरेक्टर के सेशन में तो कोई है ही नहीं, हम लोग है, हम लोग वो सब अपनी तरफ से कर रहे हैं जो हमको लड़ना है। हम लोग बहुत स्ट्रांग है और बहुत सारी चीज़ें हमने बहुत अच्छी की है। तो ये जो 2 CDA बंद है,
डेफिनेटली मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि उन लोग आए, ये उनका री इलेक्शन कराए, तो ये जो प्रीति की यूनियन है ये भी उन लोग उधर जाके बंद करके, वही है डांसर्स, तो फेडरेशन इनको हेल्प करे, सच जाने देखे और उसको ओपन करे, और रियल जो सीढ़ी है उसको ओपन, चार चार ऑफिस हैं, चार चार ऑफिस हैं इनके बंद है, लेकिन इनके पास आज घर नहीं है, इनके मेहनत के, इन्होंने मेहनत किए हुए चार ऑफिस आज बंद है, ये कोई देख नहीं रहा है, अच्छी बात नहीं। और मैं देख रहा हूँ तो शायद मुझे चश्मा पहनाया जा रहा है, मैं लेकिन खुली आँख से देख रहा हूँ, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। यस, मैं इसमें रवि जी को बोलूँगा बोलने के लिए कि क्या, डेफिनेटली मैं नहीं इस चीज़ को छोड़ूंगा, अगर वो मुझे इस बात से धमकाना चाहते, डराना चाहते, तो मैं नहीं डरूंगा। मैं अगर आया हूँ डांस मास्टर और डांसरों के लिए अच्छा करना, तो मैं करूँगा चाहे कुछ भी हो जाए। सी, जहाँ तक लीगल एक्शन का सवाल है, हम क्या क्या कर रहे हैं मैं आपको अभी सारा डिस्क्लोज़ नहीं करूँगा, लेकिन वी आर डूइंग एवरीथिंग, जो सिविल क्रिमिनल जो पॉसिबल एक्शन है। इनफैक्ट मैं आपको बता दूँ, जब ये नोटिसेस चल रही थी तभी मैंने सजेस्ट किया था कि ये जो एलिगेशंस कर रहे हैं कि हमको, मुझे धमकी दे रहे, करियर बर्बाद करेंगे, ये वो, मैंने बोला ये सब गलत है। हम तभी भी एक्शन ले सकते थे, दो ऑप्शंस थे कि तभी एक्शन ले। अब उसमें मैंने एक किया था कि क्या होता है जनरली आई एम सेइंग दिस विथ रिस्पॉन्सिबिलिटी, कोई भी कायदे का सही इस्तेमाल करने भी वाले लोग होते हैं और गलत इस्तेमाल करने वाले भी होते हैं। तो मैंने बोला अगर लेडी इन्वॉल्व है तो कभी ऐसा भी हो सकता है कि वो कुछ और एलिगेशंस कर ले, ये भी टाइम आ सकता है आगे, ये मैंने अब इनको सबको मीटिंग में बोला था। तब मैंने ये प्रिडिक्ट किया था कि ऐसा भी कुछ होगा आगे चल के, तो हमको डिसाइड करना है कि अभी से उसको एग्रावेट करें कि बाद में करें। अल्टीमेटली वो टाइम आ गया है, तो वी विल टेक ऑल पॉसिबल एक्शन, जैसे आपने बोला सारे एक्शन लेंगे। हाँ जी, नहीं था नहीं विजिबल, मैं था उधर, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ मैं नहीं था, हम लोग की मीटिंग चल रही थी वहाँ, मैं जनरल सेक्रेटरी हूँ। वो आप जो वीडियो देख रहे हो मैं पासिंग का है, मुझे चांदीवली में टाइगर और श्रद्धा का गाना करने पहुँचना था वहाँ पे, मेरे पूरे सेट के अहमद सब वाइट कर रहे थे, तो ऑलरेडी हमारी मीटिंग चल रही थी, मीटिंग में वो लड़की नहीं थी उधर, क्योंकि वो है नहीं, वो बाहर थी। हम लोग की मीटिंग हुई, मीटिंग ख़त्म हुई और आप देखेंगे वीडियो में, मैंने मेरे ड्राइवर को इसको बोला चल लेट हो रहा है, और मैं निकल गया, उसके बाद ये हुआ है। तो ये डेफिनेटली अगर वहाँ खड़े रह के उनकी मैं झगड़ा देख रहा हूँ, फाइट देख रहा हूँ, तो लेकिन आप पूरा वीडियो क्लिप में मंगता, तो मैंने भी वहाँ से लाया हूँ, आप देख सकते हैं कि मेरी पासिंग हुई, उसके एक मिनट के बाद मैं नीचे उतरा हूँ, उसके एक मिनट के बाद निकला हूँ, वो वीडियो भी आप देख सकते हैं, मैं लेके आया हूँ दिखाने के लिए। और वो देखना आपको वीडियो दिखा दो, और उसमें उसने इतनी सब वहाँ पे जाके फिर इनकी कुछ फाइट हुई, फिर इन्होंने जाके उधर एनसी लिखी, फिर उसने क्रॉस एनसी में मेरा नाम डाला गणेश आचार्य, वो तो ठीक है मेरे को, मुझे पता ही नहीं था। उसके बाद मैं कल दूसरे दिन शूटिंग कर रहा था टाइगर उधर, सडनली 11 बजे से मेरे सेक्रेटरी के फ़ोन चालू हो गए कि मीडिया फ़ोन कर रहे, मीडिया फ़ोन कर रही, आना है। अरे हुआ क्या, तो दिव्या ने ऐसा ऐसा वुमन कमीशन में डाला हुआ गणेश आचार्य ने 2009 में कुछ पॉन्ड फिल्में दिखाई है, उनके बोलने पे मारा है वो सारे, अब फिर उसके बाद मीडिया है, फिर उसके बाद ये सब चालू बातें चालू हुई। और सर ऑडियो नहीं है, ऑडियो 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 बोलिए, एक मिनट हाँ जी, आया वीडियो वॉइस, हाँ बोलिए। हाँ जी यस ऑफकोर्स, हाँ ऑफकोर्स, मैं अगर मेरे सच है तो मेरे पे एक्शन उठाए, मैं जाऊँगा, इसमें कोई बात ही नहीं है, फेडरेशन का पूरा हक है ये करने का, मदर बॉडी है, उनको ये करना ही चाहिए। सिर्फ मेरा एक ही रिक्वेस्ट है फेडरेशन की, ये सब चीज़ें जो इन्होंने जो कोऑर्डिनेटर यूनियन बनाई है, और ये जो जिसके से हमारे डांस मास्टर को तकलीफ हो रही है, और ये सब बैठ के सॉल्व करें इसको, क्योंकि डांसर्स को शांति से काम करना चाहिए,
डांस मास्टर को शांति से काम करना चाहिए, अच्छा उनको फ्यूचर है, उनको आगे बढ़ना चाहिए। और कुछ किसको कुछ कहना? वन टू वन नहीं होने वाला है, जो भी है अभी इधर ही प्लीज़ जिसको पूछना मुझे, क्योंकि मैं शूटिंग छोड़ के आया हूँ और रवि जी भी बहुत बिजी है। किसको कुछ पूछना है? हाँ, एनसी का कॉपी देना, मेल कर सकता हूँ मैं सब। किसको कुछ और पूछना है? डिफेमेशन का है और उन्होंने झूठा एलिगेशन और झूठा केस किया है, ये इसी से रिलेटेड है सब। मैं जब हम करेंगे, अभी कोर्ट में किया नहीं है तो हाँ, ओशिवारा और अम्बोली। झूठे बेबुनियाद आरोप करके इनके ऊपर इनका जो रेपुटेशन है उसको उन्होंने नुकसान पहुंचाया है और उनका डिफेमेशन किया है, एक है। और दूसरा, उन्होंने झूठा केस, झूठा एलिगेशन किया है, एक दूसरा ये है। ये दो चीज़ें। नहीं, इनको ऑफिशियली अभी तक कोई बुलावा नहीं आया। आपको कुछ कहना है? आपको कुछ कहना था? हम जो झूठा केस बोल रहे हैं, उन्होंने जो एनसी में लिखा है कि इनके कहने पे ये दो लड़कियों ने मुझे मारा, ये झूठा एलिगेशन है। अब उन्होंने केस में वो वहाँ पे एनसी में वो चीज़ नहीं बोली है, बराबर है, बट वो आगे भी कुछ करेगा क्योंकि वुमेंस कमीशन में गई है ऑलरेडी, तो पब्लिक में ऑलरेडी उनका डिफेमेशन कर ही दिया है, तो वुमेंस कमीशन में ऑलरेडी उन्होंने वो चीज़ रखी दी है, तो जो उन्होंने करना है उनका बदनामी ऑलरेडी कर दिया है। में बात करना चाहूंगी, ये जो एनसी कॉपी है उसमें तो शायद उसने मेंशन नहीं किया, क्योंकि आई एम सॉरी, मैं थोड़ा सा एक इमोशनल बात करना चाहूंगी। जैसे मैंने आपको पहले कहा कि दिव्या हमारी दोस्त हुआ करती थी, लेकिन जब वो प्रिमाइसिस में हमें दिखी तो उसको ऑलरेडी आई हैव पर्सनली गिवन हर अ वार्निंग। वो अब सीसीटीवी वहां पे जो आप है वहां पे बैठी थी, वो ऑलरेडी वहां पे प्रेजेंट थी। तो मैंने बोला अगर आपको बात करनी है तो आई कैन आस्क परमिशन फ्रॉम ऑल द रिस्पेक्टेड पीपल हु आर सिटिंग ऑन द पोस्ट। तो उन्होंने उनको कोई बात नहीं करनी थी। एंड ये जो झगड़ा हुआ है जिसमें मास्टर जी का एग्जिट दिखाया है, वो झगड़ा इस बलबूते पे हुआ है बिकॉज शी स्टार्टेड यूजिंग अब्यूजिव लैंग्वेज एंड ऑल रिगार्डिंग टू द कोरियोग्राफर्स एंड द न्यू एसोसिएशन वेयर आई एम द जनरल सेक्रेटरी। बट उसके अलावा जब हम पुलिस स्टेशन गए, एज अ फ्रेंड शी हैज़ क्राइड इन फ्रंट ऑफ मी एंड शी सेड ओके, हो गई गुस्सा में बात, अभी कुछ करते हैं, मतलब हम लोग नया शुरुआत करते हैं। ये बात हुई थी मेरे बीच में। आप अम्बोली पुलिस स्टेशन की सीसीटीवी फुटेज भी देख सकते हो, अगर आपको पुलिस स्टेशन में मिलती है तो। आई एम सिटिंग नेक्स्ट टू हर एंड वी आर टॉकिंग अबाउट इट। वो इतना सडन था कि मास्टर जी का नाम कहीं भी प्रेडिक्टेबल नहीं था कि उनका नाम आएगा, लेकिन जो वुमेंस कमीशन में उन्होंने जो दिया हुआ है उसमें ये लिखा हुआ है कि मास्टर जी वो जो पॉन के बारे में बात कर रहे हैं, और वो एज अ सेलिब्रिटी अगर वो हमारे और मेरे और जयश्री के बारे में कुछ बोलती तो शायद ये बात इतनी नहीं उछलती, बट जस्ट बिकॉज ही इज़ अ मेल सेलिब्रिटी, ही इज़ बीन इन दिस इंडस्ट्री एंड पीपल हैव बीन सर्वाइविंग बिकॉज ऑफ हिम टू लॉट ऑफ एक्सटेंड। तो उसको पता था कि इनको टारगेट बनाना है, तो शायद वो पॉन वाली बात उनके केस को बहुत हाईलाइट कर सकती थी, इसके लिए उनका इस्तेमाल कर दिया गया है। थैंक यू सो मच। उसमें तो मुझे क्लीन चिट मिली है, आपको मैंने भेजा भी है, मुझे कोर्ट के थ्रू मिली है, और वो कोर्ट के थ्रू लड़ाई हुई थी। अभी ये क्या है ना, बार बार ऐसा होगा तो अभी फिर आना ही होगा, क्योंकि मेरी फैमिली है, मेरी वाइफ है, मेरी बेटी है, हर उनके भी फैमिली है। ये अच्छा नहीं है कि बार बार किसी के ऊपर आप अच्छा नहीं कर सकते, दोस्त अच्छा कर रहा तो उसके ऊपर बार बार आप लालचन उठा दे रहे हो। नहीं, अब होगी, इस टाइम होगी, और मैं
सब इसलिए तो मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी है, इसलिए तो और मैं पूरा इस चीज़ का, अगर मेरी गलती है तो मैं सजा करने के लिए भी हूँ, गलती नहीं है अब मैं क्लीन है तो मैं सबके सामने लेके आऊँगा। इट्स नॉट अप्रोप्रिएट टू से कमेंट ऑन दिस थिंग्स, जो फैक्ट है वो फैक्ट है। बेसिकली मैं क्या बताऊं, क्योंकि उस वक्त मुझे जहां तक बोला गया था तो इन्होंने पूछा कि तू यहां क्या आया, तो उसने बोला था कि मैं सरोज जी को मिलने आई हूं, और सरोज जी तो आई नहीं थी खुद, तो मुझे पता नहीं शायद, क्योंकि जो यूनियन से वो कमेटी में है वहां सरोज जी एम्बेसडर है वहां की, जबकि सरोज जी को वहां नहीं होना चाहिए था, वो इनलीगल है वहां पे, कौन वहां का चेयरमैन है या वहां कौन प्रेसिडेंट है या वहां पे वो राज करके कोऑर्डिनेटर है वहाँ वहाँ पे कर रहा है, ये सब पूरी एक मिली भगत है, और तो मुझे नहीं लगता कि ये सब होना चाहिए बेसिकली। क्या हो सरोज जी, जी से जरूरत नहीं है, और कुछ बात करनी है? हाँ है ना, और सबके लेटर है मेरे पास, इसमें छुपा नहीं गया, नहीं अक्षय है, वरुण है, रणबीर है, कैथरीना है, सोनाक्षी है, आयुष है, टाइगर है, सब है। ये देखिए क्या है ना, मैं अभी थोड़ा सा ईद आई नहीं, बकरा कटाने शेरगुरुमा खाने पहले तैयार हो गया, मुझे समझ में नहीं आ रहा। मैं तो कोशिश ही कर रहा हूँ, मैं अब और मैं ये सब चीज़ होने से मैं पीछे थोड़ी हटने वाला हूँ, जो मुझे करना है मैं करूँगा अच्छी तरह से, इससे कुछ नहीं होगा। ऑफ कोर्स ये नहीं 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 ये सब वजह नहीं, ये बहुत छोटी सी वजह है, अच्छा करने के लिए मुझे छोटी वजह का सामना करना एकदम इम्पोर्टेंट। बेसिकली मैंने सोनी में बात की थी कलर में, तो कहीं से कहीं रजनीश धुनिया जो डायरेक्टर है भूज के, उनसे कॉर्डिनेट था, उन्होंने बोला कि इनमें शायद मर्ज हो रहा है ये चाइनीज ऐसा उड़ता, तो उसके वजह से मुझे उन्होंने रोका है कि मार्च अप्रैल में डेफिनेटली करेंगे। और मैं बेसिकली सच बताऊं, मैं ये डांसर्स या डांस मास्टर्स के लिए या सोच नहीं रहा, मैं अपनी खुशी के लिए कर रहा हूं, क्योंकि मैं एक डांसर था, मैं मेरी वाइफ मेरी बेटी को ये बोलता हूं कि आज इन लोग पूछते हैं मुझे कि आप क्यों लड़ते हो, बोला आज अगर मेरे डैडी डांसर नहीं होते तो मैं डांसर नहीं होता, मैं डांसर नहीं होता तो मैं असिस्टेंट कोरियोग्राफर नहीं होता, कोरियोग्राफर से कोरियोग्राफर नहीं बनता, वो नहीं होता तो आज ये नहीं होता जो गणेश आचार्य। तो मुझे नहीं पता कि बाकी कोरियोग्राफर्स या बाकी क्या सोचते हैं, ये मैं मेरे संतुष्टि के लिए कर रहा हूँ, मेरे इसलिए क्योंकि एक छोटे से स्लम एरिया में चाल में रहने वाला गणेश आचार्य को आज ये डांसर्स ने और कोरियोग्राफर्स ने बहुत कुछ दिया है, ये मेरी दिल की फीलिंग है, तो मैं उनके लिए लड़ूंगा, मेरे साथ मेरी फैमिली है, मेरी माँ है, तो जरूर ये भी बता दूँ, ये तालियां इन लोग मारे, इनकी फीलिंग्स है, इनको बिठाया नहीं मैंने पैसे देके। मेरा यही है कि आप लोग को जो करना है कीजिए, मैं मेरी तरफ से मेरे वकील और जो मुझे लगता है कि मैं बेस्ट कर सकता हूँ करूँगा, और इसमें चाहे मुझे कुछ भी हो जाए मैं परवाह नहीं करूँगा। थैंक यू। ओके हाँ थैंक यू थैंक यू थैंक यू। किसको पूछना है कुछ? ओके ना थैंक यू वेरी मच। छोटा सा वाला मन चाहिए था सर।